नगर निगम द्वारा लोगों को संपत्ति कर जमा करने के लिए दिया गया वक्त अब खत्म हो गया है। जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का संपत्ति कर 31 मार्च तक जमा नहीं किया है, उन्हें अब नगर निगम द्वारा दी जा रही छूट से तो वंचित रहना ही होगा, बल्कि अब ऐसे लोगों को कर जमा करते समय जुर्माना भी देना होगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये जितने भी हमारे डिफॉल्टर्स हैं, सर्वप्रथम तो उनको डिमांड नोटिसेस दी जाती है, उसके बाद वारंट जारी होता है, साथ ही 12% का अतिरिक्त जो अधिभार उनपे इंटरेस्ट लगता है वो भी दिया जाता है, और यदि वो फिर भी नहीं वसूलते तो सीज की कार्रवाई की जाती है।